एक दिन की बात है, जब वो नदी के किनारे पर दैनिक जप आदि कर रहे थे, उन्हीं की आंखों के सामने एक घटना घट गई। एक हिरणी जो मृगी जो गर्भिणी थी, वो पानी पीने के लिए नदी में आई और जहां ये खड़े तप करते थे उसी के पास में पानी पीना उसने आरंभ किया ही था। अचानक बराबर की पहाड़ी से एक सिंह की गर्जना हुई। बेचारी छोटी सी मृगी, ऊपर से गर्भिणी, ऊपर से पिपासा से पीड़ित, और उधर हिंसक सिंह की गर्जना को सुन करके कांप गई, डर गई। उसको लगा कि ये सिंह आएगा, मुझको खाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। अपने प्राणों की रक्षा की भावना से, अपने बालक की रक्षा की भावना से डर के मारे पानी पीना भूल गई और छलांग मार करके नदी को लांघना चाहती थी। परंतु इस उपक्रम में उस मृगी का बच्चा गर्भ से स्रवित हो गया, पानी में गिर करके डूबने लगा। मृगी तो जान बचा करके भागी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं किसी कंदरा में गिर करके मर गई, परंतु श्री राजर्षि भरत की आंखों के सामने छोटा सा निर्दोष बड़ा प्यारा सा वो बालक जलधारा में डूबता हुआ बहने लगा। इनको दया आ गई है, उस बालक को निकाल लाए, मृग के बच्चे को निकाल लाए। जिस मनुष्य के हृदय में करुणा नहीं है, उस मनुष्य के मनुष्य होने में, मानव होने में संदेह हो जाना चाहिए। इसलिए उस करुणा के कारण मृग के शावक को निकाल करके लाए। यहां तक तो अच्छा था, परंतु उस मृग शावक की रक्षा करना, फिर उसका पालन पोषण करना, फिर उसमें अपनापन उत्पन्न हो जाना, फिर आसक्ति हो जाना, ये बहुत कठिन हो गया। एक सम्राट जो अपने पुत्र और पौत्रों से विमुक्त होकर के घर छोड़ करके आ गया, वो अटक गया। उसका मन तो एक मृग के बच्चे में अटक गया, और अटका तो ऐसा अटका कि बिना मृग के बच्चे के स्पर्श के, बिना उसको देखे, बिना उसको छुए चैन नहीं आता। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर पल उनको मृग का बच्चा चाहिए। भजन करने बैठते तो बीच बीच में आंख खोल करके उचक उचक करके देख लेते, कहां गया, दिखा नहीं, बहुत देर हो गई, छुआ नहीं। और वो पीछे से चुपचाप आता दबे पांव, और जो अपने सींगों से इनके पीठ खुजाता तो लगता जैसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया। जंगल जाते तो उसको कंधे पर बिठा करके ले जाते, भजन करने बैठते तो उसको गोद में बिठा लेते। अब मृग तो मृग ठहरा। एक दिन मृग अपने दूसरे मृगों के झुंड में सम्मिलित होकर के गायब हो गया। बिना मृग को देखे इनकी आंखों को चैन नहीं है, बिना छुए त्वचा को संतोष नहीं है महाराज, बिना उसके स्वर को सुने कान बिहुवल हैं, बेचैन हैं। रात्रि हो गई, खाए पिए बिना चंद्रमा से कहते हैं, हे देव, मेरे उस एण कुणक उस बालक का, मेरे मृग शावक का ध्यान रखना, कहीं अनुचित ना हो जाए, कहीं अनर्थ ना हो जाए। इतना आसक्त हो गए, इतना अटैचमेंट हो गया। मनुष्य के दुखों का कारण है अटैचमेंट। अटैचमेंट को ही आसक्ति कहते हैं। ये जो मनुष्य का आकर्षण हो जाता है, वो किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में मनुष्य का मन बंध जाता है, विद्ध हो जाता है, यही उसके दुखों का कारण है। और व्यवहार की दृष्टि से, दायित्व की दृष्टि से, आप कर्तव्य की भावना से आप लगे रहिए, आपका अटैचमेंट नहीं है तो आपको पीड़ा बहुत नहीं होगी।